सबसे पहले लिप बाम का यूज़ करेंगे क्योंकि लिप बाम पहले इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब फेस का मेकअप करें तो लिप पर कोई इफेक्ट ना पड़े इस पर फाउंडेशन लग जाए तो या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर एंड ऑल इसलिए लिप बाम का यूज़ करें देन मॉइस्चराइजर क्रीम तो मैं जो मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करती हूँ मैं वही यूज़ कर रही हूँ आप जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम का यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ करिए तो मॉइस्चराइजर सबसे पहले लगाएंगे प्राइमर से भी पहले मॉइस्चराइजर क्रीम इसलिए लगाते हैं कि फेस पर अच्छे से सेट हो जाए और मेकअप में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो अच्छे से अप्लाई कर ले ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए इसके बाद प्राइमर तो बेसिकली प्राइमर मेकअप का बेस होता है और और भी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है इसका यूज़ और इसके बारे में कब और कैसे अप्लाई करें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से भी देख सकते हैं और आई कार्ड में भी जाकर आप देख सकते हैं तो प्राइमर अच्छे से लगा लें फेस पर इस तरह से ताकि प्राइमर भी अच्छे से, से सेट हो जाए प्राइमर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप को स्टे रहने में हेल्प करता है इसलिए प्राइमर का कर यूज़ करते हैं प्राइमर लगाने के बाद दो मिनट वेट करें ताकि प्राइमर अच्छे से, से सेट हो जाए उसके बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करें सो रिमेंबर दैट फाउंडेशन अप्लाई तब करें जब प्राइमर अच्छे से सेट हो जाए तो फाउंडेशन लीजिए और ये ऑयल फ्री फाउंडेशन है लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और फाउंडेशन कभी भी आप हाथ पर ऐसे लेकर पूरे फेस पर अप्लाई ना करें इस तरह से अप्लाई करें फाउंडेशन जो कि पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सकती है इस तरह से डॉट डॉट करके आप फेस पर लगाएं फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लें तो इस तरह से फाउंडेशन लगाने से फाउंडेशन बहुत अच्छे से फेस पर अप्लाई हो जाती है और लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग स्टे रहती है सो so, फाउंडेशन देखिए इस तरह से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लिया अपने फेस पर तो फाउंडेशन हमारी नेचुरल स्किन को हाइड करने के लिए होता है दान कंसीलर तो कंसीलर का भी यूज़ मैंने और वीडियोस में बताया हुआ है कि किस लिए यूज़ करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं तो बेसिकली कंसीलर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी फेस के डार्क एरियाज़ है वो उन्हें कवर अप कर लेता है इसलिए कंसीलर का यूज़ करते हैं सो रिमेंबर दैट कि जब भी आप आइज़ के नीचे कंसीलर का यूज़ करें तो ट्राइंगल में बनाएं क्योंकि जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो उसे अच्छे से हाइड करने में बहुत हेल्प करता है इसलिए डार्क सर्कल के एरिया पर ट्राइंगल शेप दें तो कंसीलर बहुत अच्छे से डार्क सर्कल को हाइट कर देगा इसलिए कंसीलर का यूज़ करते हैं और जो भी डार्क एरिया है डार्क सर्कल एंड लिप्स और नोज़ के पास में और चिन पर यहाँ पर बहुत अच्छे से कंसीलर अप्लाई करें और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही कंसीलर को ब्लेंड करें बिकॉज़ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जब आप कंसीलर को ब्लेंड करेंगे तो कंसीलर और ज़्यादा अच्छे से फेस पर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से और बहुत अच्छा इफेक्ट भी आता है कंसीलर को यूज़ करने पर देन कॉम्पैक्ट पाउडर तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी फाउंडेशन uh, जैसे हमारी नेचुरल स्किन को हाइट कर देता है तो कॉम्पैक्ट पाउडर से जो फाउंडेशन लगाने के बाद जो हमारे फेस का कलर होता है कॉम्पैक्ट पाउडर उसे और ज़्यादा निखारने में हेल्प करता है तो कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है देन ये है तो लिप लाइनर बट इससे मैं अपने नोज़ की कॉन्टोरिंग करूँगी क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैंने लिपस्टिक का यूज़ करके ब्लश लगाया हुआ है और लिप लाइनर का यूज़ करके कॉन्टोरिंग करी है सिर्फ नोज़ की तो देखिए लिप लाइनर से मैंने लाइन बना ली थी अब उसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है तो देखिए बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग हो गई है और लिपस्टिक की हेल्प से आ, ये ब्राउन लिपस्टिक है लाइट ब्राउन तो इससे मैं फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी तो फेस की कॉन्टोरिंग के लिए मैंने एक आ, पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई कार्ड में भी जाकर आप देख सकते हैं तो किस तरह से कॉन्ट्रोलिंग करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और कॉन्टोरिंग फेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है तो सब कुछ मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो देखिए इस तरह से पूरे फेस पर लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया लाइक दैट कॉन्टोरिंग तो देखिए कॉन्टोरिंग से फेस पर एक अलग ही इफ़ेक्ट आ जाता है जो ऑल ओवर मेकअप जो हमारा पूरा मेकअप होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसलिए कॉन्ट्रोलिंग करते हैं फेस की तो देखिए इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लें उसके बाद आईब्रो पर आ जाते हैं तो आईब्रो के लिए मैंने ये आईब्रो ब्रश यूज़ किया हुआ है तो पहले आईब्रो को अच्छे से कोम कर लें ताकि आईब्रो भी अच्छे से, से सेट हो जाए हाँ अगर आपने थ्रेडिंग बनवा ली है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बट इस टाइम पर मैंने नहीं बनवाई हुई है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप आईब्रो पर आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर लें अच्छी तरह से आईब्रो पेंसिल से आईब्रो और ज़्यादा निखर कर आ जाती है एक अलग ही लुक आ जाता है तो देखिए आईब्रो पेंसिल यूज़ करने के बाद उसे अच्छे से और मैंने ब्रश अप कर लिया हुआ है ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से, से सेट हो जाए तो देखिए पहले कैसी थी और अभी तो बहुत ही अच्छी लग रही है देन अब आई मेकअप की बारे है तो आई शेडोज मैट और शाइनी दोनों ही आई शेडोज हैं तो दोनों ही दोनों की हेल्प से आई का मेकअप करेंगे देन फर्स्ट स्टेप कंसीलर यूज़ करेंगे तो आई मेकअप का बेस ही कंसीलर होता है इसलिए कंसीलर का यूज़ करेंगे आई मेकअप के लिए तो कंसीलर लगाकर ब्रश की हेल्प से अच्छे से कंसीलर को पूरे आईज पर लगा लेंगे अच्छे से अप्लाई करेंगे क्योंकि आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा मेन होता है पूरे मेकअप में सो so, अब लेते हैं यहाँ पर क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो मैं ब्लू ड्रेस पहनने वाली हूँ इसलिए मैंने ब्लू कलर का आई शेडो लिया हुआ है तो आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग या फिर अपना फेवरेट कलर यूज़ कर सकते हैं तो देखिए ब्लू और उसके बाद मैंने गोल्डन लिया हुआ है क्योंकि आ, मेरी ड्रेस ब्लू एंड गोल्डन में है इस वजह से मैं ब्लू एंड गोल्डन आई मेकअप कर रही हूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरी क्रीज पर क्रीज पर और पूरे आई पर अच्छे से अप्लाई कर ले तो इस ब्रश की हेल्प से मैंने आई शेडो को बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अप्लाई हुआ है उसके बाद लाइट ब्लू वो डार्क स्काई ब्लू था और आ, ये स्काई ब्लू से भी थोड़ा लेस है सो इसे मैं फिंगर की हेल्प से अच्छे से क्रीच पर लगाऊंगी आउटर साइड पे ताकि जो क्रीच और जो आई का मेकअप है वो और ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे सो आई कैन यूज़ दिस उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से और अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी देन पिंक तो पिंक तो मैंने बस ऐसे ही यूज़ कर लिया है कि एक शाइनिंग अलग लुक आ जाए आइस पर तो बहुत ही लाइटली यूज़ किया है मैंने इसे तो यहाँ पर मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आई मेकअप किया है आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपको फेवरेट कलर या फिर जो भी आपको अच्छा लगे आई शेडोज़ में वो आप यूज़ कर सकते हैं तो आप देखिए आई मेकअप करते टाइम जो भी एक्स्ट्रा मेकअप हमारे फेस पर आ गया है उसे मेकअप रिमूवर की हेल्प से रिमूव कर लिया है देन आई तो आई को और ज़्यादा अच्छे से लगाएं। तो वैसे बेसिकली तो लोग आउटर से इनर तक जाते हैं बट मैं इनर से आउटर तक लगा रही हूँ आप किसी भी तरह से आई लगा सकते हैं देन दूसरी आइज़ पर भी अप्लाई कर लेते हैं तो देखिए आईलाइनर के बाद आई मेकअप और ज़्यादा अच्छा लगता है देन काजल तो काजल हमारा लास्ट स्टेप है आई मेकअप के लिए तो अच्छे से अप्लाई कर लिया देन आई मेकअप पूरा हो गया है अब आँखों को हल्का सा बंद करके काजल को ऊपर की तरफ लगाएं आँखों के अंदर ही तो देखिए लिपस्टिक तो लिपस्टिक जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं के यूज़ के तो ब्लशिंग के लिए यूज करूँगी लिपस्टिक लगाने के लिए नहीं तो लिपस्टिक ब्लशिंग के लिए यूज करेंगी तो इस तरह से चीक्स पर नोज़ पर अच्छे से लिपस्टिक लगा लें लिपस्टिक ये पिंक कलर में है तो इससे ब्लशिंग और अच्छे से निखर कर आएगी तो देखिए ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से अप्लाई कर लें लिपस्टिक है इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी इसे ब्लेंड करने में सो so, देखिए एक पिंके लुक आ गया विदाउट ब्लिश सो so, लिप लाइनर तो आप लिपस्टिक के बारे है सो so, लिप लाइनर अच्छे से अप्लाई कर लें अगर आप ये ऑप्शनल है वैसे मैंने इसलिए यूज़ किया है so, सो दिस इज़ ऑप्शनल एंड लिप लाइनर के बाद मैंने पीच कलर की लिपस्टिक यूज़ करी हुई है यहाँ पे आप रेड भी कर सकते हैं और पिंक भी और जो भी आपको सही लगे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मेथड और अपना फेवरेट बताया है तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं एंड फिर बिंदी अब चीक्स पर लिपस्टिक का यूज़ किया था ब्रशिंग के लिए बट वो शाइनी नहीं था इसलिए पिंक कलर का आई शेडो चीक्स पर अप्लाई करें जहाँ पर ब्लश के लिए लिपस्टिक यूज़ करी थी तो ये और ज़्यादा शाइनी हो जाएगा हाँ बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं कम इस वजह से और ज़्यादा अच्छे से देन लास्ट इज़ मेकअप फिक्सर तो ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग स्टे रहने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इसलिए पूरा मेकअप करने के बाद मेकअप फिक्सर लगाना ना भूलें तो इस्प्रे कर लें अच्छे से